मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव की तैयारी के खातिर कार्यकर्ता के बैठक ले रीवा पहुंचे। ये बीच बता दें कि दिग्विजय सिंह से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जो निमाऊ कान पकड़ के माफी मांगत नजर आ रहे हैं। अपनों को बताई थी कि आखिर ऐसा कौन वजह रही जिसके कारण कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सब लोगों के सामने अपन कान पकड़ के माफी मांगत नजर आई। हाथों विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल वहां पूजा अपना पंचे सभी जन इनका प्रणाम करी थी, शुरू करी थी बड़ी खबर से। बता दें कि रीवा में कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर कार्यकर्ता के बैठक ले खातिर पहुंचे, जहां कार्यकर्ता के बैठक से पहले दिग्विजय सिंह के द्वारा कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों का संबोधित किएगा और उनके हर सवाल के जवाब देंगे। दिग्विजय सिंह के द्वारा ये पत्रकार वार्ता 1 घंटा देर से शुरू किएंगे, जोने पर उनके द्वारा पत्रकारों के सामने कान पकड़ के माफी मांगी गई, जिसके बाद उनके द्वारा देरी के वजह बताई गई और कहा गया कि आज ट्रेन 1 घंटा लेट रही और वजह से कार्यक्रम देरी भई गई। दूसरे कहीं राम मंदिर पर भाजपा के ऊपर तंज कसा गया। बता दें कि आरोप लगाए गए दिग्विजय सिंह के द्वारा कहा गया कि भाजपा के मकसद ढांचा का तोड़े कर रहा न कि मंदिर बनवाओ, कांग्रेस के लगातार हार और कुछ राज्य तक सीमित हो जाए के पीछे जवाबदार के है। ये प्रश्न के उत्तर में उनके द्वारा कहा गया कि एक खातिर गांधी परिवार का जिम्मेदार वो नहीं माना, एक खातिर हर कांग्रेस कार्यकर्ता जिम्मेदार है। बता दें कि बैठक के दौरान दिग्विजय सिंह के द्वारा भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया। पत्रकार वार्ता में उनके द्वारा कहा गया कि देश में संवैधानिक अधिकार का समाप्त करे कुटिल प्रयास की जाला है, लोकतंत्र और संविधान आज खतरे में है, उनके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में बिना चर्चा के बिल पास की जाला है। उदाहरण देखिए, उनके द्वारा कहा गया कि नई लोकसभा में दावा कीनगा रहा कि यहाँ परिंदा पर नहीं मार सके, लेकिन दुई बेरोजगार युवन के द्वारा सदन में घुस के गैस छोड़ दी गए। अच्छी बात यह रही कि गैस नॉन पॉइजनस रही, लेकिन अगर जहरीली गैस हो तो वक्त सदन में जितने नेता मौजूद रहे वो 5 मिनट में मर सकत रहे। उनके द्वारा कहा गया कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का एक घटना पर जवाब दे जरूरी रहा कि आखिर इतनी बड़ी घटना घटी कैसन के। अपना को सुनाई थे प्रेस वार्ता के दौरान दिग्विजय सिंह के द्वारा का कुछ कहा गया। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, एक घंटे मैं माफी चाह रहा हूँ, असल में ट्रेन 1 घंटा लेट आई, मैं माफी चाह रहा हूँ। कमलेश्वर पड़े कमलेश्वर इधर आ जाओ, बाबा बैठो, बाबा पत्थर नारी